दोस्तों आदाब से मैं निसे मतकान हिंद बोर्ड से आपसे मुखातिब हूँ। खबर आज मैं फिर गल्फ न्यूज़ के बारे में आपसे, क्योंकि आप लोगों ने गल्फ न्यूज़ की जो पिछले दिन हमने खबरें दी थी उसको आप लोगों ने पसंद किया, तो फिर उस सेगमेंट को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है वो, उसमें पहली खबर है कि सऊदी अरब में, जो अखबारों में खबर नहीं आती लेकिन गोलीबारी और धमाकों की वारदातें वहाँ पर बढ़ने लगी हैं। सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में अभी इसी हफ्ते एक दिन पहले एक बम धमाके से कई लोगों को घायल होने के समाचार है। ये धमाका फ्रांस के वाणिज्य दूतावास में उस समय हुआ जब पश्चिमी देशों के कई अधिकारी फर्स्ट वर्ल्ड वार से में मारे गए सैनिकों की को ताजियत देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए थे। इनमें फ्रांस, ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका के राजदूत भी शामिल थे और कुछ लोग और शामिल थे। ये धमाका एलईडी बम द्वारा किया गया जो पहले से वहाँ पर फिट किया गया था। पिछले महीने इसी फ्रांस के वाणिज्य दूतावास के गार्ड पर भी चाकू से एक हमला किया गया था जिसमें एक सऊदी जो नागरिक है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने बड़े डंके की चोट पर कहा था कि हाँ हमने हमला किया। यह हमला ठीक उस दिन हुआ था जब शार्ल हेबडो मैगजीन के विवादित कार्टून छपने पर फ्रांस में चाकूबाजी की घटनाएं होती जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। फ्रांस के शहर नीस में चाकू लेकर हमला हुआ था ये, और 3 लोगों की उसमें हत्या की गई थी। फ्रांस दूतावास ने दोबारा हुई इस घटना के बाद सऊदी में रह रहे सारे पश्चिमी देशों के जो उनको तंबी की है, यानी मना किया कि वो एहतियात से बाहर निकले, नागरिक जो वहाँ रह रहे हैं, जिसमें उन्हें सावधान रहने की और ज़्यादातर अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। जद्दा में हुए इस धमाके की जो एलईडी से धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के खबर के अनुसार इस घटना के बाद नीदरलैंड की हेग सिटी में सऊदी अरब एम्बेसी के बाहर गोलीबारी की घटना हुई है, पर इसका संबंध सऊदी अरब में फ्रेंच वाणिज्य दूतावास में हुई घटना से ही नहीं अभी तक क्लियर होता नहीं हुआ है, लेकिन ये घटनाएँ काफ़ी बढ़ गई हैं जैसा कि अखबार में खबर आई है। ये जो घटनाएं ज़्यादातर शुरू हुई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून छापा गया है उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक गुस्सा हो गया, और ऐसे ही वक्त में सऊदी अरब खामोश बैठा हुआ है, वो इसराइल से अपने संबंध स्थापित कर रहा है। वहीं अरब राष्ट्रों ने इसराइल के साथ व्यापारिक संबंधों को ख़त्म करने की आवाज़ भी उठाई है और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठने लगी है। कुवैत के एक धार्मिक नेता तारिक अस्वदन ने इसराइल से सभी प्रकार के लेन देन का बाइकट करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि इस तरह इसराइल को ज़बरदस्त आर्थिक धक्का लगेगा। कुवैत राबता ग्रुप द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वो बोल रहे थे, उसमें उन्होंने बात की थी। साथ ही एक खबर है कि एक फ़िलिस्तीनी जो गैर कानूनी तौर पर इसराइल की जेल में बंद था उसके सही तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, उसका इंतकाल हो गया, मर गया वो। सभी है कि कई फिलिस्तीनी जो कोरोना से पीड़ित थे उन्हें इसराइल के जेल में बंद रखा के जा रहा है और उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। खबर है कि बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा जो 84 साल के थे, उस सबसे लंबे समय से बहरीन के प्राइम मिनिस्टर रहे, जब से बहरीन आज़ाद हुआ है तब से वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंतकाल हो गया है। इन्नल्लाह व इन्नल्लाह राजिऊन, 1971 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ अरब का खाड़ी देशों का बुलेटिन हम यहीं बंद करते, आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगला बुलेटिन फिर हम आपके सामने पेश करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।